रावत बंसल न्यूज पर बोले, छायाचित्र के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था, कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं थी, सभी महापुरुषों के छायाचित्र लगने चाहिए थे, लोकसभा में भी सबके छायाचित्र हैं, मैं कमेटी के पक्ष में नहीं हूं, ये कहना है, ये बयान है रामनिवास रावत का। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और इसी के साथ ही छायाचित्र को लेकर कमेटी बनाने की बात कही गई। इस वक्त हमारे साथ विधायक रामनिवास रावत है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस दौरान भी हंगामा देखने को मिला, लेकिन कहा गया कि ये सदन की परंपरा नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण को देखने से ये लगता है कि केंद्र से भेजा हुआ ड्राफ्ट था, जो केंद्र शासित प्रदेशों में पढ़ा जाता है LG द्वारा, उस तरह से यहाँ बना के भेजा गया है। यहाँ स्वतंत्र राज्य का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहीं उल्लेख नहीं है। सारी की सारी योजनाएं प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की योजनाएं, तो इस तरह से लगता है कि ये केंद्र द्वारा शासित प्रदेश बन गया है, स्वतंत्र प्रदेश नहीं रह गया। सर, तस्वीर को लेकर जिस तरीके से आप लोगों ने बात कही थी, कमेटी बनाने की बात कही गई, अब जो भी फैसला होगा वो कमेटी करेगी, ये खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है। देखिए, ये उनका अधिकार है, मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे द्वारा प्रस्ताव किया गया था कि इतिहास के जितने भी महापुरुष हैं उनके छायाचित्र विधानसभा के सभाकक्ष में लगाए गए, क्योंकि लोकसभा के सभाकक्ष में भी महापुरुषों के छायाचित्र लगे हैं। इन्होंने नेहरू जी का छायाचित्र हटा दिया, ये क्या इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? ये विरोध की भावना से काम नहीं करना चाहिए। नेहरू जी का छायाचित्र लगे, पटेल साहब का भी छायाचित्र लगे, राजेंद्र प्रसाद जी का भी लगे, भगत सिंह का भी लगे, सुभाष चंद्र बोस का भी। से आप लोग सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। तो कमेटी बनाने की जो बात कही गई है उससे जो विधायक रामनिवास रावत हैं वो सहमत नजर नहीं आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि इतिहास को बदलने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।